मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? क्या वह जंगल का सबसे पावरफुल जानवर है इसीलिए? जी नहीं, शेर इसीलिए जंगल का राजा माना जाता है क्योंकि उसके पास जंगल पर राज करने का हुनर होता है। वो इतना खूंखार और बहादुर होता है कि अपने से दो गुना ज्यादा बड़े जानवर का भी आसानी से शिकार कर लेता है, और इतिहास गवा रहा है राज भी वही कहता है। वरना जंगल में पाए जाने वाला हाथी भी बहुत पावरफुल होता है, फिर भी जंगल में हमेशा दो ही जानवरों की बादशाहत देखने को मिलती है, एक शेर और दूसरा टाइगर। ये दोनों जानवर जंगल पर अंधा राज करते हैं। कहा जाता है कि कभी भी शेर और टाइगर एक साथ किसी भी जंगल में नहीं रह सकते। बात भी सही है, आखिर एक ही जंगल में दो दो राजा कैसे रह सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि शेर या टाइगर बड़े बड़े जंगली जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी शेर और टाइगर को आपस में भिड़ते देखा है? क्या होगा अगर जंगल के दो सबसे खूंखार और ताकतवर जानवर आपस में भिड़ेंगे, और इन दोनों जानवरों की लड़ाई में विनर कौन बनेगा? क्या जंगल का राजा शेर टाइगर पर भारी पड़ेगा, या फिर टाइगर का सामना करना शेर के लिए भारी होगा? वैसे आपको बता दे, दोनों जानवरों को एंटरटेनमेंट के लिए पहले सर्कस आदि में लड़ाया भी जाता था, और लोग उनकी रोमांचक लड़ाई को देख के तालियां भी बजाते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अब इन दोनों जानवरों की इंटरटेनमेंट की पर्पज से आपस में भिड़ाना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर करने वाले को सजा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम उन दोनों की स्ट्रेंथ, वीकनेस और नेचर का कंपैरिजन करके यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले हम थोड़ा शेर और टाइगर के स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। भले ही इन दोनों जानवरों का बॉडी स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी इनके स्वभाव में काफी अंतर होता है। जहाँ शेर एक सोशल एनिमल के रूप में जाना जाता है, वही टाइगर हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता है। शेर हमेशा अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ रहता है। परिवार के साथ रहते हुए ये खुद के लिए शिकार भी बहुत कम करता है। अधिकतर शेरनियां ही इसके लिए शिकार पकड़कर ले आती है, जबकि एक वयस्क टाइगर जंगल में हमेशा अकेला घूमता है। वो अपने शिकार को अकेला पकड़ता है, और शायद इसीलिए टाइगर हमेशा खूंखार दिखता है। इसीलिए टाइगर के स्वभाव के बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शेर सिर्फ तभी शिकार करता है जब वह भूखा होता है और उसे खाने की जरूरत होती है, जबकि टाइगर को किसी पर अटैक करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है। वो खुद को बहादुर दिखाने के लिए किसी को भी अपना शिकार बना लेता है, और किसी को भी अपने आसपास फटकने नहीं देता। अगर हम बात करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर की, तो शेर और टाइगर की बॉडी लगभग सेम ही होती है। दोनों की हाइट लगभग 1.2 मीटर होती है। दोनों के पूंछ की लंबाई 1 मीटर होती है। शेर का वजन 200 किलोग्राम और टाइगर का वजन 300 किलोग्राम तक होता है। टाइगर की प्रजाति में सबसे बड़ा टाइगर बंगाल टाइगर होता है, जबकि अफ्रीकन शेर को सबसे बड़ा और विशालकाय शेर के रूप में जाना जाता है। एक अफ्रीकन शेर का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। शेर और टाइगर दोनों ही जंगल में दूसरे जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहते हैं, इसीलिए इन दोनों के पास फैट से ज्यादा मसल्स होती है। अब यह कहा जा सकता है कि टाइगर का वजन शेर से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि टाइगर के पास मसल्स ज्यादा होती है। मसल्स ज्यादा होने के साथ ही उसका शरीर भी शेर की तुलना में भारी और उसके पंजों में फोर्स भी ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि टाइगर आसानी से शेर को धाराशायी कर सकता है। और अगर बात करें दोनों के बाइट फोर्स की, तो इस मामले में भी टाइगर ज्यादा पावरफुल होता है। टाइगर का बाइट फोर्स 180 किलोग्राम तक होता है, और इसका कैनन टूथ 78 मिलीमीटर लंबा होता है। अब जरा सोचिए कि अगर कोई टाइगर 180 किलोग्राम के फोर्स के साथ 78 मिलीमीटर लंबे और बेहद नुकीले दांत दूसरे एनिमल की बॉडी में घुसाता है, तो फिर उसका क्या हाल होगा? यही कारण है जिसके वजह से टाइगर अपनी आकार से भी ज्यादा दो गुना बड़े शरीर वाले जानवर का भी आसानी से शिकार कर जाता है।
वही शेर का वेट फोर्स 160 किलोग्राम होता है और उसका कैनाइन टूथ 70 मिलीमीटर लंबा होता है। हालांकि शेर के भी दांत काफी लंबे और खतरनाक होते हैं, लेकिन टाइगर की तुलना में कम ही होते हैं। और दूसरी बात, टाइगर की स्किन ऐसी होती है जो एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट करती है। इसका फायदा उठाकर एक शेर खुद को छुपा लेता है और फिर अपने शिकार पर अचानक से अटैक कर देता है। शिकार करने के मामले में टाइगर ज्यादा एग्रेसिव होता है और ये अपने दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं देता है। और अंत में स्पीड की बात करें तो इस मामले में टाइगर शेर से आगे है, जहां एक एडल्ट शेर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग सकता है, वही टाइगर की एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में स्पीड का कोई खास महत्व नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्त, आज तक के इतिहास में जितनी बार भी टाइगर और शेर की लड़ाई होते देखी गई है, हमेशा अधिकतर जीत टाइगर की ही हुई है, क्योंकि हर मामले में टाइगर शेर पर भारी पड़ता है। ये बात जरूर है कि टाइगर भी खुद शेर से भिड़ने का प्रयास नहीं करता है और शेर खुद को जंगल का राजा समझता है और अपने स्टेन से दूसरे जानवरों को डरा कर रखने की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए वो अक्सर दहाड़ मारकर दूसरे जानवरों को अपनी ताकत का एहसास करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह आदत टाइगर के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। जैसे ही टाइगर अपने रंग में आता है तो उसे शेर को धूल चटाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता है। शेर और टाइगर की लड़ाई पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है और हर एक्सपर्ट का यही मानना है कि इन दोनों की लड़ाई में जीत हमेशा टाइगर की ही होगी। नेशनल जियोग्राफी चैनल भी शेर और टाइगर की लड़ाई पर डॉक्यूमेंट्री बना चुका है। उनका भी यही मानना है कि इस लड़ाई में हमेशा जीत टाइगर की ही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ऐसी बात है तो आप ही बताइए कि जंगल का राजा कौन हुआ, शेर या फिर टाइगर? और अगर अब भी जंगल का राजा शेर ही है तो क्यों है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब जल्द ही मिलते हैं एक और नए रोमांचक वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे दूसरे वीडियोस देखो जो आपने आज तक नहीं देखे हैं। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा।